से अपडेट भी कर रहे हैं टंडू मोहम्मद खान, जहां पर पीपी की उम्मीदवार थी वहीदा शाह, उन्होंने मुबैना धांधली के ऊपर खुद ही एहतसाब करते हुए जो पोलिंग का अमला था उसको बुरी तरह से पीट डाला। ये तमीज किए बगैर क्या आया, वो खवातीन है उनको बुरी तरह से थप्पड़ उन्होंने रसीद किए, जिसके बाद वो खवातीन दीवारों में और कोनों में जाकर छुपकर रोती भी रही। पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद थे, मनाजिर में भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो हमेशा की तरह हाथ बांधे सिर्फ इन मनाजिर को देखते रहे और इनसे महजूज भी शायद होते रहे। मुतालिका जो डीएसपी थे वो इस पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी बिल्कुल, पीएस 53 टंडो मोहम्मद खान के पोलिंग स्टेशन का यह वाकया है, जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहीदा शाह वहां पे आई। उन्होंने खुद ही वकील, जज और पुलिस का किरदार अदा किया, उन्होंने खुद आके इन्वेस्टिगेशन की, पता किया आखिर चक्कर क्या है, लेकिन उसके बाद खुद ही उन्होंने एक फैसला दिया और सजा भी खुद ही देना शुरू कर दी। शिकायत करने का मौका उन्होंने किसी को नहीं दिया, पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस को उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि पुलिस किसी किस्म का कोई एक्शन ले सकती। उन्होंने खुद फैसला किया कि जो खवातीन पोलिंग स्टाफ से ताल्लुक रखती थी, जो कि वहां पर मौजूद थी, उनको खुद उन्होंने थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। पुलिस वहां पर आई और आप देख सकते हैं इन मनाजिर में कि एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां पर मौजूद था और उस वो खड़ा होकर सिर्फ और सिर्फ ये मनाजिर खुद देख सकता था, लेकिन वहीदा शाह को रोकने की उन्होंने जुर्रत नहीं की। लेकिन वहां पर एक खातून जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी, जो इनके हाथों पिटी भी है, उनका ये कहना है कि बस मैडम को गुस्सा आ गया था। मेरा नाम हबीबा प्रिजाइडिंग, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मैडम को गलत फहमी हुई। आपने सुना एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि उन खातून से पिट चुकी हैं वहीदा शाह से, उसके बाद वो दीवार में एक कोने में खड़े होकर रोती हुई भी आपको इन विजुअल्स में नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कहा कि जी मैडम को गुस्सा आ गया था, इसीलिए शायद उनके हाथों उनको मार खानी पड़ी। टंडो मोहम्मद खान के ये मनाजिर हैं, पीएस 53, जहां पे वहीदा शाह पाकिस्तान